हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर के बारे में। 33.90 करेंट प्राइस है। मैंने आपको बोला था कि चांसेस इसके 33 आने की ही है एंड वही हुआ है। तो फ्रेंड जानेंगे आज की परफॉर्मेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है एंड नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो जोन है यहाँ पर फ्रेश बाइंग जोन कहते हैं इसे। 32, 33, 30 के आसपास आप बाइंग जोन हो जाता है। फ्रेंड्स आप वॉल्यूम भी देखिए, कल के कंपैरिजन बाइंग का प्रेशर बढ़ चुका है। बाइंग में है 5,42,000 जो कल 3 लाख के आसपास थे। तो बाइंग का प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये जो जोन है ये बाइंग जोन है। सेलिंग में है 14,82,000, तो सेलिंग प्रेशर ह्यूज है इसमें। तो अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है तो कभी ज़्यादा अमाउंट से नहीं लेनी है और अपने रिस्क पे लेनी है। 30 के आसपास एक बाइंग जोन होता है। अब चलते हैं न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे। 5 दिसंबर को आई है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं हम, तो मैनेजमेंट ने कंपनी की प्रेजेंटेशन दी है ऑन Q2 रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगी। आपको पता है इनकी पहली जो प्रेजेंटेशन आई थी लास्ट क्वार्टर की, वो भी काफ़ी अच्छी थी। 135 पेजेस की प्रॉपर प्रेजेंटेशन है ये। स्क्रॉल डाउन करते हैं, थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, बाकी आप जा KBIC की साइट पे ज़रूर देख सकते हैं। सो इट विल बी बेस्ड ऑन Q2 फाइनेंशियल ईयर। सो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ने बताया भी है कि कंपनी के ने कितनी ग्रोथ की है और आखिर क्या ग्रोथ और ज़्यादा होगी। इनके कौन से बिग क्लाइंट्स हैं उन सबके नेम्स हैं। 1998 में कंपनी कॉरपोरेट हुई थी, उसके बाद से सारा स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि क्या एक्वायर किया, किस किस कंट्री में इनका बिजनेस है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करते हैं, ये एक US बेस्ड कंपनी है। फ्रेंड्स आप ये देखिए, ग्लोबल डिजिटल एड स्पेंड तो वो भी प्रॉपर कितना इनका इंक्रीज हो रहा है। सुरेश रेड्डी चेयरमैन एंड CEO हैं, आपको पता ही है। उन्होंने भी जो बोला है कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, आप होल्ड करके रखिए। तो ये देखिए, सर्विंग सम बिगेस्ट ब्रांड्स, तो इनको ये एड्स शो करती हैं। एयरटेल इनका क्लाइंट, कोका कोला, LIC, सैमसंग, तो ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। एंड फ्रेंड्स इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब इनमें मेजर चैनल है इनके ट्रैफिक के, क्योंकि एड बेस्ड बिजनेस है इनका। कंट्रीज भी अब आ जाएंगी, देखिए नॉर्थ अमेरिका से कितना रेवेन्यू आता है, 52%, यूरोप एंड मिडल ईस्ट से 17%, साउथ अमेरिका से 20%, सारा कुछ दे रखा है। बाइफिकेशन है प्रॉपर पूरी, 35 पेजेस की स्लाइड है, जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखो, मैनेजमेंट तो सब कुछ पॉजिटिव ही बोलता है, बट तो शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा, शेयर क्यों 30-40 में ही घूम रहा है? तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं, लास्ट फ्यू मंथ से सब देख रहे हैं 30-40 से ज़्यादा मूव नहीं कर रहा। और अब तो इन्वेस्टर्स निकल के किसी अच्छे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट आया था 0.60 करोड़ का सेप्टेम्बर क्वार्टर में। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लेकिन शेयर में कोई मूवमेंट नहीं है। नेक्स्ट टारगेट क्या लेके चलेंगे वो भी आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी। अभी तक 80% डिलीवरी उठाई गई है। फ्रेंड्स 31 तक का टारगेट लेके चलिए लोअर साइड में, 35 का अपर साइड में। थोड़ा सा नीचे और जाएगा और वहाँ से फिर बाउंस बैक कर जाएगा। तो फ्रेश एंट्री जोन आपको पता ही है, दोबारा बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 30 के आसपास कहीं भी एंट्री ले सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। अपनी हार्ड एंड मनी को कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, हमेशा करिए। चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट, प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।